हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। और एक्सेस में यहाँ पर देख सकते हैं ये एक टेबल बनी हुई है जिसका कि नाम स्टूडेंट है। ये वही पुरानी टेबल है जो पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। अब समस्या हमारे साथ ये है कि यहाँ पर जो मार्क्स है यही हमें केवल लेके आना है, मार्क्स ही डिस्प्ले कराना है, और वो मार्क्स डिस्प्ले कराने हैं जो लेस देन 300 है। यानी 300 से कम जो मार्क्स हैं केवल उन्हीं को डिस्प्ले कराना है, यानी कि केवल उनको डिस्प्ले कराइए जो कि लेस देन 300 हो। तो ये कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से क्रिएट पे चलते हैं और क्रिएट पे चल के क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और यहाँ से एसक्यूएल पे चलेंगे। अब यहाँ पे सेलेक्ट लिखा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। अब हमें करना क्या है, किस तरीके से करना है वो समझिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, ये स्टूडेंट वाली टेबल में देखिए जरा मार्क्स है, तो यहाँ पे देना है सेलेक्ट और फिर यहाँ दीजिएगा मार्क्स। ठीक है, जैसे लिखा गया है बिल्कुल वैसे ही आपको भी यहाँ लिखना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मार्क्स जो है कितना कौन सा मार्क्स हमें डिस्प्ले कराना है, पहले तो हम कर देते हैं कहाँ से डिस्प्ले कराना है, तो फ्रॉम, तो ये फ्रॉम लिखिएगा, तो यहाँ पर एक बार गैप दे के लिखिएगा फ्रॉम स्टूडेंट नाम की टेबल है, तो ये स्टूडेंट हो गया। ठीक है, और स्टूडेंट नाम की टेबल है और वेयर, यहाँ पे आप कंडीशन देंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, वेयर कंडीशन दे दिया, क्या चीज है मार्क्स है ना, तो मार्क्स इज लेस देन 300। ठीक है, ये कर दिया हमने और यहाँ से टर्मिनेट कर दिया, और ये जो टेबल है इसको क्लोज करना रहता है। और अब इसको एक बार चलाने की जरूरत है, तो क्वेरी डिजाइन ये जो दिख रहा है यहाँ जाकर के और यहाँ से रन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे तो यहां दिखाई पड़ रहा है 250। आइए एक बार अपने टेबल को देखते हैं, लेस देन 300 कौन सा यहां पे दिया गया है, तो देखिए एक ही है 250 यहां पे, वो हमें दिख भी रहा है। अगर हम इसमें चेंजेस कर देते हैं, जैसे यहां 369 दिया गया है तो इसको मैं 230 कर देता हूं, और यहां पर देखिए ये 400 जो दिया है इसको मैं 299 यानी 299 कर देता हूं, और देन अब इस टेबल को क्लोज करता हूँ। देन इस ये जो क्वेरी हमने लिखी है इसको यहाँ से जाके एसक्यूएल व्यू पे जाके देन दोबारा से रन करवा देता हूँ, तो ये तीनों ही डिस्प्ले होंगे। तो अगर आपको इस तरीके की क्वेरी पूछी जाती है तो आप आसानी के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आई होगी कि ये क्वेरी कैसे लिखनी है। ठीक है, ये तो बात रही लेस देन की, अगर यही ग्रेटर देन होता तो क्या करते, तो फिर वापिस आते हैं एसक्यूएल पर और अब ग्रेटर देन कर लेते हैं। तो ये तो लेस देन रहा, अब हम यहाँ पे करते हैं ग्रेटर देन, तो ये हो गया ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन 300 कर दिया और यहाँ पे क्लिक किया, तो देखिए जो भी ग्रेटर देन 300 है केवल वही वही मार्क्स जो आपको डिस्प्ले होते हुए नजर आएंगे, देख रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, दोनों ही मैंने बता दिया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ कोई सवाल हो तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।